बिसमिल्ल रन रही टुडे वीर टॉकिंग अबाउट मैक्रो हेज मैक्रो स्टैंड फॉर व्हेन वी टॉक अबाउट अगर आपने वर्ड्स सुना हो तो आपने ज़्यादा फेमसली सुना है मैक्रो इकनॉमिक जो के बात हो रही होती है ओवरऑल इकॉनमी लेवल कंट्री लेवल एट ग्लोबल लेवल की जब बात हो रही है तो वैन वी से मैक्रो हैज तो हमारा स्कोप उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है अब मैक्रो हैज इज़ ए इन्वेस्टमेंट टेक्नीक यूज़ टू मिटिगेट और एलिमिनेट डाउन साइड सिस्टमेटिक रिस्क पोर्टफोलियो एसिड मेन हमारा स्पिरिट क्या है कि हम अपने पोर्टफोलियो के जो डाउन साइड है उसको कैप्चर करना चाह रहे हैं मैक्रो हैजिंग स्ट्रेटजीज टिपिकली इन्वॉल्व यूजिंग डेरिवेटिव टू टेक शॉर्ट पोजिशन ऑन ब्रॉड मार्केट यानी कि जो हमारी बात कर रहे थे इकनॉमिक मैक्रो लेवल पे तो ये मार्किट्स लेवल्स की बात हो रही है इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट्स की बजाय हम ब्रॉडर मार्किट्स की बात करते हैं दैट कैन नेगेटिवलीफेक्ट दर्फॉर्मेंस ऑफ अ पोर्टफोलियो और अ स्पेसिफाइंग एसिड कि हमारे एसिड को हमारे पोर्टफोलियो को जो मार्केट्स की मूवमेंट्स इम्पैक्ट कर सकती हैं उनको अगर हम हैज करने के लिए जाते हैं तो दैन दैट प्रेफर टू एज मैक्रो हैज मैक्रो हैजिंग रिक्वायर्ड यूज़ ऑफ डिवेटिव विच अलाव पोर्टफोलियो मैनेजर्स टू टेक इनवर्स पोजिशन टू ऑन टारगेट एसिड एंड एसिड कैटेगरीज यानी कि ब्रॉड कैटेगरीज की बात हो रही है दे बिलीव विल सिग्नीफिकेंटली अफेक्ट बाई मैक्रो कैटलिस यानी कि मैक्रो लेवल की चेंजस में ओवरऑल इकोनमी लेवल की चेंज में जो इम्पेक्ट आएगा उसको कैप्चर करने के लिए हम डिफरेंट रूट्स लेते हैं एंड वी मेड आर असमेंट एंड मे पोजिशंस जो कि हमारे पोर्टफोलियो को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती हैं तो उससे हम अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए वी टेक सच पोजिशन के वी आर नॉट एडवर्सली अफेक्टेड द मैक्रो इन मैक्रो रेफर टू रिस्क मेडिगेशन अराउंड मैक्रो इकनॉमिक इवेंट तो ये है भी उसी इकनॉमिक इवेंट से ही है कि अगर कोई मेगा लेवल की चीज़ होती है कंट्री लेवल पर इकॉनमी लेवल पर तो हाउ इज़ दैट वी आर गोइंग टू इम्पैक्ट अस हाउ आर वी गोइंग टू सेफ गार्ड

तो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पे मार्केट की मूवमेंट क्या होगी रिएक्शंस क्या आएंगे उसका हमारे पोर्टफोलियोज पे क्या इम्पैक्ट आएगा और वॉट विल बी इम्पैक्ट टू वी हैव विच वी हैव टू सेफ दट तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग इसमें ज़रूरी है इन सम केसेस मैक्रो एजिंग पोजिशन में बी ईजीली फोरसिन बाय सीरीज ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू अ प्री डिटर्म आउटकम कुछ चीज़ में कुछ जगहों पर एक भी आपको हो जाता है इट्स नॉट जस्ट प्योरली फोरकास्टेड एक पाथ भी चल रहा है जैसे अगर हम चाइना की बात करें तो उनका ग्रोथ रेट्स बड़ा कंसिस्टेंटली चल रहा है तो वो उसकी अगर हम फोरकास्टिंग करते हैं तो वो फिर बहुत ज़्यादा आपको इंपैक्ट्स uh, नहीं नज़र आते यू सी राइजिंग ट्रेंड ग्रोथ है तो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन फोरकास्ट एंड टेक योर पोजिशन इन आजा केस माइक्रो हैजिंग रिक्वायर्स सब्सटैशियल एक्सेस टू मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड एबिलिटी टू यूटिलाइज वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन ऑर्डर टू बिल्ड सफिशिएंट मार्केट पोजीशन क्या आप अपनी फिर ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लार्ज स्केल के आपको लेके उसमें पोजीशन लेनी होती है ताकि आपको जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है वो हमारा उसमें कैप्चर हो जाए दस मैक्रो हैजेज़ आर मोस्ट ऑफन इंटीग्रेटेड बाई सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स एंड प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर जो हाई लेवल के हैं लार्ज पोर्टफोलियोज को देख रहे हैं लर्न हैं वो ज़्यादा इसमें प्लेयर्स होते हैं इन्वेस्टर विदाउट ब्रॉड मार्केट एक्सेस टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मैक्रो हैजिंग कैन टर्न टू सम इंडस्ट्री रिटेल ऑफरिंग कॉमनली पैकेज इन फॉर्म ऑफ ई टी एफ अगर हम खुद बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट ब्रॉड मार्केट में इन्वेस्टमेंट या सेफ गार्डिंग नहीं कर सकते तो फिर हम कोई पैकेज प्रोडक्ट्स देख लेते हैं रेडी प्रोडक्ट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं या जैसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं जो कि ब्रॉड एरिए को कैप्चर कर रहे होते हैं तो इस तरह हमारी पोजीशनिंग भी हो जाती है और हम अपना जो डिज़ायर्ड एक्सपोजर हैजिंग का वो ले सकते हैं मैक्रो हेजिंग स्ट्रैटजी आर ऑफन कंसिडर्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटी ऑल्टरनेटिव एक लेदा क्लास होती है एसिड की जिसमें रियल इस्टेट कमोडिटीज आती हैं मैक्रो हैजिंग को भी एक उस तरफ लेके जाया जाता है बिकॉज इसका स्कोप ज़रा फर्क है इट्स नॉट जस्ट लाइक कि शेयर ले कर रख के बैठ जाएं ये ज़रा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ग्लोबल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग फोरकास्टिंग और उसके बाद आप अपनी पोजिशन में लॉक इन होते हैं तो ये ज़रा इट्स It's, इसकी जो प्रिक्योरिटी नेचर की वजह सेट नेचर की वजह से इसको एज एन आल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में भी कई दफ़ा डिस्कस किया जाता है यूजिंग डेरीवेटिव क्रिएट एडिशनल रिस्क ऑफ कैपिटल लॉस फॉर पोर्टफोलियोज बिकॉज डेरीवेटिव टेक्निक रिक्वायर एड एड कॉस्ट ऑफ परचेजिंग प्रोडक्ट दैट इज टेकिंग पोजिशन ऑन अंडरलाइंग अब ये डेरेवेटिव लाना इन एट सेल्फ वैसे तो मकसद हैजिंग है लेकिन इनकी अपनी एक कॉस्ट है और इनके अपने एसोसिएटेड रिस्क और पीयर्स फैक्टर्स भी हैं जो कि हमें लेने हैं हमारे साथ ही बिल्टिन हैं यूजिंग मैक्रो स्ट्रेटजी कैन सक्सेसफुल व्हेन सिग्निफिकेंट मार्केट मूवमेंट्स अकर और इसका मेन सक्सेस कब होगी जब मूवमेंट्स सिग्निफिकेंट होंगे अब अगर स्टेबल ही चलती रहेंगी तो शायद आपको इतना गेन या उसमें बेनिफिट ना हो मार्केट्स अगर ऊपर चली जाती हैं और आपने लॉ डाउन साइड को एक्सपेक्ट किया है या डाउन चली जाती हैं और आपने डाउन को ही एक्सपेक्ट किया है, तो इम्पैक्ट आपको ज्यादा आ सकता है सो यू विल विल बी बी बेनिफिटेड और यू मोर इज अ रियल मूवमेंट इन द मार्केट दिस इन्वॉल्व टेकिंग टारगेटेड इन्वेस्टर्स बेट्स ऑन पोर्शन ऑफ पोर्टफोलियो इट कैन इन्वॉल्व ओवर वेंग सिक्योरिटीज विद एक्सपेक्टेड टू आउटफॉर्म तो इसमें फिर आप क्या करते हैं आप देखते हैं कि जी अच्छा जी मार्केट्स में जाएंगे किस सेक्टर में ज्यादा चांसेस है आप उसको ओवर वेट करते हैं जिसका आपका ख्याल है बुरा परफॉर्मेंस करेगा उसको अंडर वेट करते हैं तो एक स्ट्रैटेजी बना के यू विल गेन ताकि आपका नेट रिजल्ट बेहतर आए ठीक हो गया थैंक यू